50 मिनट्स, 25 CGL के क्वेश्चन, 25 ही क्वेश्चन CHSL के। ये हमारी हर दिन की क्लास का एजेंडा है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल भी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम्स में आए, जिससे आप लोग एक लाइव मॉक ले सके, अपना एनालिसिस कर सके कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, कितनी जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कैसे सब्जेक्ट को टारगेट करना है, सारी चीजें हम एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाइएगा, थम्स अप कर दीजिएगा। 5-10 मिनट क्लास लेट हो गई हमारी, अक्सर हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्लास को। जब सब लोग आ जाइएगा, पेन पेपर ले लेते हैं। आप लोगों ने, मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों के CGL के पेपर हैं, क्विकली रिवीज अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज इंग्लिश बाय जितेंद्र सोनी में जाइए। वोकैबुलरी के 2 मैराथन लिए हैं मैंने, और एक idioms and phrases का मैराथन लिया है, और एक ग्रामर के top 100 questions का मैराथन लिया है। तो top 100 questions का मैराथन में टोटल सारे 15 से 16 टॉपिक के ऊपर सारे ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। 2.5-3 घंटे की क्लास है। एक है idioms and phrases की क्लास, जिसमें 1500 idioms and phrases हमने डिस्कस किए थे, उससे बाहर एग्जाम्स में नहीं आएगा। एक है 1 word substitution की मैराथन, जो 5.5 घंटे की है, जिसमें हमने 1000 से ज्यादा 1 word substitution एग्जाम में आए हुए डिस्कस किए थे। एक है रूट वर्ड की मैराथन, जिसमें हमने इंडिया में यूट्यूब के इतिहास में सबसे ज्यादा रूट वर्ड कवर किए थे। अगर प्रिंसिपल रूट वर्ड मानू तो 250-300 रूट वर्ड हमने कवर किए थे, और टोटल रूट वर्ड मानू तो 1000+ रूट वर्ड हमने कवर किए थे। तो आपको अगर टाइम मिले तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। जल्दी सब लोग आ जाइए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर ले लीजिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम 50 questions 50 मिनट करेंगे। ये क्लास नंबर 4 है, 3 क्लास हम डिलीवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 150 to 200 questions हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो देख लीजिएगा। मैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ स्टार्ट करता हूँ। पेन पेपर ले लीजिएगा, CGL के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ मनीष भाई सर, पाकिस्तान से सलाम। नरपत सिंह सर, कौन सा चैनल है फिर से बता दीजिए, कौन सा चैनल? मेरे ही चैनल पे दासु सर मैथ्स पे प्लेलिस्ट में इंग्लिश बाय जितेंद्र सोनी में सारी मैराथन पड़ी हुई है। सर जीके और जीएस में क्या पढ़े कुछ बता दीजिए, जीके और जीएस में क्या पढ़े कुछ बता दीजिए, क्या पढ़ना है? स्टैटिक जीके पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, और बाकी जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो। देखिए जितना मुझे पता है जीके के बारे में, 5 से 10 questions, 5 questions तो करंट अफेयर के आने ही आने, और 5 questions स्टैटिक जीके के आने, जिसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट के डांस फॉर्म, कौन से डांस फॉर्म कहाँ होते हैं, ठीक है, ये सारे स्टैटिक जीके, कौन सी रिवर कहाँ है, क्या है, कौन सी रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है। अब इंग्लिश वाले टीचर से आप जीके पूछेंगे। ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पैरा जंबल्स से पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। हमको इस पैराग्राफ में पैरा जंबल्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है बाय सम एप्पल, बाय सम स्वीट्स एप्पल, बाय स्वीट एप्पल्स, ठीक है, बाय स्वीट एप्पल्स, ये पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। थम्सअप कर दीजिएगा बच्चा, लाइक कर दीजिएगा, थम्सअप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बाय स्वीट एप्पल और नॉट एट ऑल, ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट को इंस्ट्रक्ट किया, तो ही आ गया तो नहीं बन सकता। ए रिच मैन सेंट हिज सर्वेंट टू एन ऑर्किड टू बाय सम एप्पल्स, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन सकता है, किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं है सेंटेंस की। द सर्वेंट ने पूछा, हाउ एम आई सपोज टू नो ऑल ऑफ द स्वीट्स इफ आई टेस्ट वन। सर्वेंट ने पूछा, कोई चीज उसके मास्टर ने उसको बोली होगी तभी तो उसने पूछा होगा। द ऑनर ऑफ द ऑर्किड सेड टू द सर्वेंट, ऑल माई एप्पल्स आर स्वीट, ट्राई वन। ये वाला सेंटेंस पहला बन सकता है, ये वाला सेंटेंस पहला बन सकता है। और ऑन जो ऑर्किड का ऑनर था, उसने सर्वेंट को बोला कि प्लीज ये एप्पल ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा स्वीट है। तो पहले वाला मैं देखता हूं, ए रिच मैन ने सेंट हिज सर्वेंट टू एन ऑर्किड टू बाय सम एप्पल, By sweet one or not at all, he instructed his servant. B के बाद में A का पैर बन रहा है, क्योंकि उसने अपने servant को apple खरीदने के लिए भेजा और उसको बोला कि सिर्फ मीठे वाले apple लाना या तो फिर मत लाना, ये instruction दिया। पहले तो उसने लाने का instruction दिया, तो B के बाद में A का पैर कहाँ बन रहा है? B के बाद में A का पैर यहीं से बन रहा है, और statement भी B से start हो रहा है। Option number 2 is a correct answer. बस इतना सही मुझे logical पैर देखना था, आंसर आ गया। बहुत अच्छा सर, बताने के लिए शुक्रिया।
प्लीज थोड़ा साइड, ठीक है, हाँ थोड़ा साइड नहीं हुआ मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है फिल इन द ब्लैक्स, वोकैबुलरी का टेस्ट होने वाला है आपका, वोकैबुलरी में किस तरह से आपकी कमांड है ये क्वेश्चन आपको जज कर लेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, ही स्लैश हिज स्लैश ऑफ द टॉपिक वॉज सो गुड दैट द स्टूडेंट हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। उसका टॉपिक के ऊपर क्या अच्छा था, कमांड था ना, उसका टॉपिक के ऊपर क्या अच्छा था, कमांड था कि जब क्लास खत्म हुई तो स्टूडेंट को बहुत कम डाउट्स थे, जैसे जीतू सर की क्लास होती है। तो उसका क्या अच्छा था, क्वालिफिकेशन अच्छा था टॉपिक का, क्वालिफिकेशन टॉपिक का हो सकता है क्या, क्वालिफिकेशन टॉपिक का नहीं हो सकता। एग्जीबिशन अच्छा था, उसकी कोई प्रदर्शनी अच्छी थी, उसका कोई पिक्चराइजेशन अच्छा था या उसका एक्सपोजिशन अच्छा था, उसका एक्सपोजिशन अच्छा था। एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन आप देते हो, कोई भी थ्योरी का, कोई भी आइडिया का डिटेल में आप बताते हो, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, एक्सपोजिशन। तो उसके टॉपिक को उसने इतने डिटेल में बताया, इतना अच्छा था वो डिटेल में बताना कि बच्चों को बहुत कम डाउट था, क्लास खत्म हुई, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, एग्जीबिशन नहीं होगा बच्चा, टॉपिक को कोई एग्जीबिशन थोड़ी ना होता, एग्जीबिशन होता है प्रदर्शनी। इनफर्म, इस वर्ड का मुझे एंटोनिम बताना है, इनफर्म का मतलब होता है बच्चा वीक, कमजोर, कोई भी इंसान जो वीक हो, फ्रेल हो, फीबल हो, ये तो सारे के सारे इसके सिनोनिम्स आ गए। इनफर्म का एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है, तो वो होगा स्ट्रांग, जो इंसान पॉटली हो, स्ट्रांग हो, स्टाउट हो, उसको क्या बोलते हैं, इनफर्म। ऑप्शन नंबर बी इज वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर फोर, दिस गाय हैज अ गिफ्ट ऑफ गैब। वी ऑफन से दिस कि दिस पर्सन हैज अ गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप मीन्स ही इज सो गुड एट परसुएडिंग पीपल, ही इज सो गुड एट कन्विंसिंग पीपल, ही इज सो गुड एट आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स। उसको बात करना बड़े अच्छे से आता है, तो उसको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। टॉक्स वेल, ए पर्सन talks well and persuasively, जो बहुत अच्छे से बात करता है, लोगों को मना पाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस क्वालिटी को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैब, उसी का मीनिंग पूछा है। sprightly, ठीक है, sprightly का मतलब क्या होता है, और इसका सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा, सॉरी, स्प्राइटली का एंटोनिम पूछा है, जल्दी जल्दी आंसर्स करके बताइए। स्प्राइटली का मतलब होता है एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक होता है जो इंसान, फुल ऑफ एनर्जी होता है, लाइवली होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्राइटली। ठीक है, स्प्राइट पी करके क्या हो गया इंसान, एनर्जेटिक हो गया। तो उसका मुझे एंटोनिम पता करना है, तो एंटोनिम क्या होगा बच्चा, लेथार्जिक, इंडोलेंट, लेथार्जिक, इंडोलेंट, लेजी, ठीक है, लेजी, जिसमें कमी हो, लेजी, स्लोथफुल, ठीक है, स्लोथफुल, लेथार्जिक, स्लगिश, ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, स्लगिश, ये सारे के सारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए, कि कम ऐसा इंसान जो ढीला ढाला हो, जिसमें एनर्जी नहीं हो, ठीक है, उसको पूछ रहा है। अब इसमें क्या पूछना है मुझे, इस चीज में क्या बताना, कि कौन से पार्ट में एरर है। द फूड, क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रहे हैं हम, सीजीएल्स क्वेश्चन 24 अगस्त का पेपर ले रहे हैं हम, शिफ्ट वन का पेपर ले रहे हैं, 24 अगस्त की शिफ्ट वन का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। द फूड, ये इस पार्ट में एरर पूछ रहा है, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन द आरकेपुरम। जो नई ईटरी खुली है जहां खाना मिलता है, वहां पे जो खाना मिलता है वो आरकेपुरम में जो खाना मिलता है उससे ज्यादा अच्छा है, तो उससे ज्यादा अच्छा, तो कंपेयर कर रहा हूं मैं, कंपेरेटिव डिग्री आ गई, और कंपेरेटिव डिग्री आ गई तो क्या आएगा यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, गुड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, गुड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, और बेस्ट क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, देन हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। तो इस वजह से कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर टू में एरर है। जापान हैज मेड इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन इनसाइड सम फील्ड्स लाइक फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, ये पूछ रहा है कि जापान ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है फोटोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। जापान ने फोटोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। तो बच्चा इनसाइड क्या होता है, उसके अंदर थोड़ी ना किया है, उस फील्ड में किया है ना, फोटोग्राफी वाली फील्ड में किया है, तो इन आएगा, इनसाइड थोड़ी ना आता है कि फोटोग्राफी के अंदर घुस करके थोड़ी ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उस फील्ड में किया है, तो इनसाइड प्रीपोजिशन गलत है, यहां पे इनसाइड वाली प्रीपोजिशन गलत है, तो इन सम फील्ड आएगा। ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, बहुत अच्छा,
बस धीरे धीरे चल रहे हो आप लोग, धीरे धीरे चल रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर्स बताइएगा, इतना टाइम नहीं होता। लेवरेज, ठीक है, लेवरेज का मतलब क्या होता है, इसका मुझे सिनोनिम्स बताना है। लेवरेज, लेवरेज का सिनोनिम्स कंक्लूजन, वीकनेस, इन्फ्लुएंस या सजेशन। 24 अगस्त शिफ्ट वन डिस्कस कर रहे हैं हम, 2021 का सीजीएल का पेपर। तो लेवरेज का मीनिंग क्या होता है बच्चा, लेवरेज होता है कि ग्रिप, कोई भी ग्रिप होती है होल्ड होता है, ठीक है, ग्रिप होती है होल्ड होता है, किसी चीज के ऊपर पकड़ होती है, उस चीज को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इन्फ्लुएंस। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, कंक्लूजन का मतलब होता है कि फाइनल डिसीजन, क्या निर्णय निकला, और सजेशन का मतलब होता है सुझाव। तीनों नहीं होगा, लेवरेज का सिनोनिम्स होगा इन्फ्लुएंस, होल्ड, पकड़, इन्फ्लुएंस, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप आफ्टर टेक आफ्टर लंच, मैंने खाना बड़ा खा लिया, जैसे वेस्ट बंगाल में आप जाओ वहां पे लोग 2 बजे के बाद में खाना खाने के बाद में भाई साहब दुकान बंद कर लेते हैं, ये रियलिटी है। आई हैव बीन टू वेस्ट बंगाल मेनी टाइम्स एंड आई हैव नोटिस दैट पीपल आफ्टर हैविंग लंच इन द आफ्टरनून प्रीफर टू टेक नैप, ठीक है, थोड़ा सोना पसंद करते हैं, 1.5-2 घंटे वो सोना पसंद करते हैं। तो खाना खाने के बाद में जो सोते हैं आप, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सीएस्टा, सीएस्टा। खाना खाने के बाद में, दिन में जब आप सो जाते हो लंच करने के बाद में, तो उसको बोलते हैं सीएस्टा। डोज का मतलब भी होता है कि थोड़े टाइम के लिए सो जाना, लेकिन स्पेसिफिकली खाना खाने के बाद में सोने को बोलते हैं सीएस्टा। शॉर्ट नैप होता है, डोज का मतलब भी होता है शॉर्ट नैप, थोड़े टाइम की जबकि ले लेना। ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, लेकिन इसका मीनिंग जो होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ए नीड ऑफ एन आर, इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा नीतू रानी। ए नीड ऑफ एन आर इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री। ए नीड ऑफ एन आर मतलब वक्त की तकाजा ये है कि अभी इस भारत में जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। तो ए नीड ऑफ एन आर नहीं होता, द नीड, स्पेसिफिक नीड की जरूरत है। तो जब स्पेसिफिक नीड के बारे में मैं बात करूंगा तो क्या लगाऊंगा, द नीड ऑफ एन आर, मतलब जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि यूथ है जो इस कंट्री का उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो द नीड ऑफ एन आर, द नीड ऑफ एन आर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन में कहीं दिमाग लगाना पड़ रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चल रहा है सारा के सारा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, मुझे क्या बताना है, ऐसा वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग में एरर है, जिसमें क्या है बच्चा, स्पेलिंग एरर है। कौन सा वर्ड है, हैपेजार्ड। हैपेजार्ड बैनर क्या होता है कि जहां पे कोई भी प्लांस नहीं होता, कोई भी ऑर्डर नहीं होता, एकदम अस्त व्यस्त मैनर में होता है, उसको बोलते हैं हैपेजार्ड। शैंडलियर, एस्थेटिक या लाइसेंस, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके में मुझे क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एरर दिख रही है मुझे, वो वर्ड लाइसेंस में हो रही है। लाइसेंस की स्पेलिंग होती है LICENS, एस आएगा यहाँ पे, सी नहीं आता, बस इतना सा पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, द लैक ऑफ रेगुलर एकेडमिक सेशन, द लैक ऑफ रेगुलर एकेडमिक सेशन हैज मेंट इन 2022 द कंट्री हैज हैड, द कंट्री हैज हैड द शेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब द यहाँ पे मैंने देख लिया, कुछ नहीं करना बच्चे, मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये ग्रामर का पार्ट है। जब मैंने एडजेक्टिव्स पढ़े थे तो यहाँ पे मुझे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के लिए पहले से मुझे क्या पता होता है कि जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लिखता हूं तो मैं उससे पहले आर्टिकल द हमेशा लगाना पड़ता है मुझे। द आर्टिकल लगाए बिना मैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, द बेस्ट, ठीक है, रिचेस्ट, पुअरेस्ट, ये लिख नहीं सकता। तो उसके लिए मुझे कौन सी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, और ईएसटी वाली डिग्री सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, तो बस इतना सा मैं दिमाग लगाऊंगा, ऑप्शन नंबर 2 को सही कर दूंगा। ये इस सेंटेंस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। मैं मुंबई में रहता हूं, उसने ये बोला कि मैं मुंबई में रहती हूं, शी आ गया तो रहती हूं, मैं मुंबई में रहती हूं उसने बोला, इसको मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, तो उसको मुझे बोला कि मैं मुंबई में रहती हूं। तो देखिए,
सी सेड आया है तो सी सेड का सी सेड आ जाएगा, सेज तो हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद में कंजंक्शन दैट लगेगा, करेक्ट है, तीनों में लगा हुआ है। और उसके बाद में उसी ने बोला तो शी और लिव है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में बदल जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ इस ऑप्शन में है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से आ गया, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है मुझे, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग वाला पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट बताइए, बोस्टिंग, एविडेंस, ओवरराइड या एस्टिक। ठीक है, एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है वैरागी, साधु, मॉन्क, हर्मिट, जो इंसान जीवन त्याग देता है, अकेला रहना पसंद करता है, एसेटिक। ओवरराइड का मतलब होता है कि कोई रूल्स को ओवर रूल करना, किसी ने कुछ आदेश आपको दिया लेकिन उस आदेश का अनदेखा करना ओवरराइड होता है, ओवर रूल करना। एविडेंस का मतलब सबूत, और बोस्ट का मतलब होता है खुद के बारे में बढ़ाई करना, ठीक है, ऊपर वाली बातें करना। सी सेड दैट शी लिव्ड इन मुंबई, बहुत अच्छा। ओवरराइड, नीतू जी एक्सट्रीमली करेक्ट, मतलब एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। ओवरराइड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल बार आएगा ओवरराइड, यहाँ पे सिंगल राइड दे रखा है। ओवर की स्पेलिंग पहले ओवर लिखा जाएगा फिर राइड लिखा जाएगा, बहुत शानदार नीतू जी। ए कॉर्पोरेशन मेड ऑफ ए थंब ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड पीपल, बहुत सारे लोग जब मिलकर के ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चा? अरे ब्लॉक क्यों नहीं कर देती इसको, किसको ब्लॉक करना है? नीतू रानी, ठीक है, ठीक है। जब बहुत सारे लोग मिलकर के डाइवर्ट, जो अलग अलग फील्ड में जिनका नॉलेज है, वो एक कंपनी बनाते हैं, कॉर्पोरेशन बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट। जब बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में जिनका नॉलेज है वो मिलकर के कंपनी खड़ा कर देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं बच्चा कॉन्ग्लोमरेट। क्वेश्चन नंबर 16, I was feeling all at sea. I did not know what should I say. ठीक है, I did not have an idea. I was feeling all at sea. Whatever he said was completely Greek to me. I did not know what should I say. उसने जो कुछ भी बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं I was completely puzzled. मैं पूरी तरह से confused था. I was feeling all at sea. मैं पूरी तरह से confused था. Feel at sea का मतलब होता है पूरी तरह से confused था, lost था. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेट एसोसिएशन नहीं होगा, नहीं होगा एसोसिएशन। एसोसिएशन तो होता है, किसी का भी एसोसिएशन हो सकता है, लेकिन मुझे डाइवर्सिफाइड लोग मिलकर के जब एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। ऑप्शन, ठीक है। आई वॉज फीलिंग ऑल एट सी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा धीरेन्द्र, बहुत अच्छा नेहू, नेचर लव, नेहू नेचर लव, मनीष कुमार ए, ठीक है, डीएल कोटले, ये नया नाम दिखा है आज, ठीक है। कल्पना जी तो आते हैं, रोहित जी भी आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा? इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चा? इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन करना, कंबाइन करना, अमेल गमेट, अमेल गेमेट, दो चीजों को मिलाना, ज्वाइन करना, फ्यूज करना, इन सारों का मीनिंग क्या होता है बच्चा? इंटीग्रेट मतलब जोड़ देना, कंबाइन कर देना। तो कौन सा मुझे सिनोनिम्स पता करना है? तो असिमिलेट, एक वर्ड और भी होता है असिमिलेट, जिसका मतलब होता है जोड़ देना, मिल जाना। और असिमिलेट का दूसरा मीनिंग होता है कि कोई इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में उतार लेना, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको सीखना या अपने जीवन में उतार लेना, उसको भी बोलते हैं असिमिलेट। I have assimilated all the information I have had or I have read. मैंने जो भी कुछ पढ़ा था मैंने सारा का सारा सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, इसको क्या है, पैरा जंबल्स का क्वेश्चन है, मुझे लॉजिकल पेयर में इसको अरेंज करना है। हाँ, कुछ लोग जेंडर बदल करके बकवास करते, ठीक है। तो क्या है इस यहाँ पे? इट इज ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ न्यूज। ये इट किसके लिए आया है मुझे नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर 1 से तो स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन्ड ग्लू टू इट, जो बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे हैं वो चिपके रहते हैं इससे, किससे भाई? नहीं पता, तो ये वाला सेंटेंस भी पहले वाला नहीं बन सकता। ये तो सेंटेंस ही इट से स्टार्ट हुआ है कि इट इज ऑल्सो क्या चीज है, पहले उस चीज के बारे में मेंशन हो जाए,
इट हैज बिकम, क्या चीज भी बन गई भाई, कौन सी चीज बिकम हो गई है ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या चीज बन गई ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, पहले उस चीज का नाम तो आए, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं बन सकता। स्टेटमेंट डी से ही स्टेटमेंट स्टार्ट होगा और सिर्फ ऑप्शन नंबर वन डी से स्टार्ट हो रहा है। कितना सिंपल पैराजंबल से, कुछ दिमाग नहीं लगाया, एक सेकंड में आंसर आया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया हमने। बच्चा लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। रिचर्ड वोर, ये कौन सा है, पैसिव वॉइस में हमने, हमको इसको कन्वर्ट करना है, इस सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। रिचर्ड वोर ए ब्रॉड बेल्ट विथ शाइनी बकल्स, रिचर्ड ने एक बहुत ही बड़ा चौड़ा बेल्ट पहना जिसमें शाइनी, जो शाइनिंग करने वाला बकल था, तो ठीक है, तो उसको क्या करना है मुझे, पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, यह है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मुझे वर्ब की बी की एक ऐसी फॉर्म चाहिए जो सेकंड फॉर्म और बी की सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर्ब। तो यहां पे क्योंकि ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल, बेल्ट जो है वो सिंगुलर है, तो मुझे वॉज चाहिए होगा, मुझे वॉज की तलाश करनी है कि वॉज कहाँ है, वॉज कहाँ है, यहां पे है वॉज और यहां पे है वॉज, यहां पे वॉज के बाद में मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए जो है नहीं, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कितना सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मेरे को लगता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इस सब्जेक्ट में, अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 20, द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय COVID-19। कमिटी ने कौन से पार्ट में एरर है, कमिटी ने एग्री किया दैट द स्मॉल एग्रीड, कमिटी ने एग्री किया था कि स्मॉल बिजनेसेस जो थे वो COVID-19 से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो कमिटी ने जब एग्री किया था तो यहां टेंस कौन सा चल रहा है बच्चा, यहां टेंस चल रहा है पास्ट टेंस, और आगे मैंने डाल दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आगे मैंने कौन सा डाल दिया प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं डाला, पैसिव वॉइस में डाल दिया उसको, ठीक है। तो आगे मैंने टेंस डाल दिया प्रेजेंट, और पहले टेंस डाल दिया पास्ट, ठीक है। तो ये नहीं होगा ना बच्चा, टेंस मेंटेन होगा। तो कमिटी ने एग्री किया तो ये तो ठीक है, दैट द स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन नहीं होगा, वाज आएगा, वाज एडवर्सली या फिर हैड बीन एडवर्सली अफेक्टेड, पास्ट टेंस मेंटेन होगा, पास्ट टेंस मेंटेन होगा, हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द COVID-19, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोज टेस्ट, वेरी सिंपल क्लोज टेस्ट सर, हैव होगा, एक सेकेंड मुझे वापस से देखने दो। कमिटी एग्रीड दैट द स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, यहाँ पे कन्वेंशन आ गया स्मॉल बिजनेसेस, बिल्कुल हैवी आएगा यहाँ पे, हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन। पहली बात तो ये, तो आपकी बात सही है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, ये बात एकदम ठीक है। दूसरा आप टेंस की बात कर लेते हो, तो कमिटी ने एग्री किया दैट द स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन, हैव बीन एग्रीड बाय, कमिटी ने ये माना था कि स्मॉल बिजनेसेस हैं वो कोविड से बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो पहली बात तो हैव आएगा, ये फॉर श्योर है। आपका प्रेडिक्शन जो है वो हैज का गलत था, बहुत सही, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, देखिए ये सब्जेक्ट ने अपना वर्ब ले लिया, खत्म बात। उसके बाद में नया सब्जेक्ट कौन सा मिला मुझे, ये वाला नया सब्जेक्ट मिला, और ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, जिस किसी भी बच्चे ने बताया बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। स्मोकिंग causes म्यूटेशन इन सेल्स लीडिंग टू कैंसर, स्मोकिंग जो है वो क्या करती है, कैंसर पैदा करती है, जो म्यूटेशन पैदा करती है सेल्स में जो कैंसर लेके आ जाते हैं। स्मोकिंग को छोड़ना कैन हेल्प रिवर्स द, अगर स्मोकिंग को आप छोड़ दोगे तो आप क्या रिस्क को कम कर दोगे, छोटे रिस्क को कम करोगे या बड़ी रिस्क को कम करोगे। जैसे ही आपने स्मोकिंग छोड़ दी तो ये बड़ी रिस्क को आपने कम कर दिया ना, क्योंकि स्मोकिंग बड़ी रिस्क है, तो कौन से रिस्क को कम कर दोगे, बड़ी रिस्क को, छोटी रिस्क को कम नहीं करोगे। नॉमिनल का मतलब होता है छोटा, इम्पॉसिबल का मतलब होता है ऐसे रिस्क जो एग्जिस्ट ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। फैक्चुअल का मतलब होता है जो फैक्ट पे बेस्ड है, मुझे तो बड़ी रिस्क को कम करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एंड इट कैन रिप्लेनिश सेल्स दैट एक्चुअली
resembles those of a person who had an actual. और उसके बाद में क्या है, ये replenish कर सकती है सेल को, क्या कर सकती है, replenish कर सकती है, उनको वापस से store कर सकती है. अगर आपने smoking छोड़ी है तो आप ठीक उस इंसान की तरह बन जाओगे, ठीक उस इंसान की तरह जिसने कभी स्मोकिंग नहीं की. तो ठीक उस इंसान को दिखाने का काम कौन सा अंग्रेजी में वर्ड करता है, resemble. resemble का मतलब होता है कि ठीक किसी और की तरह. तो resemble का मतलब होता है प्रतीत होना. तो ऑप्शन नंबर टू सही होगा. ठीक है, फिर आ गया the slash you smoke the more. अब मैंने देखा कि यहाँ पे parallel structure चल रहा, comparative degree adjective की class में मैंने बताऊंगा कि parallel structure the more यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी article the है, तो यहाँ पे भी मुझे comparative degree चाहिए. और comparative degree कहाँ है, more. ठीक है, comparative degree कौन है बच्चा, more. तो इस वजह से ये more आएगा यहाँ पर. next ले लेते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 24. तो पहले वाले में हमने क्या भरा था, पहले वाले में क्या करा था, पोटेंशियल रिस्क. तो यहां पे क्या आएगा बच्चा, पोटेंशियल रिस्क. ठीक है, यहां पे क्या आएगा, पोटेंशियल रिस्क. यहां पे आएगा पोटेंशियल. ठीक है, यहां पे आएगा पोटेंशियल रिस्क, यहां पे आएगा रिसेंबल, प्रतीत होना. ठीक है, ठीक है, उसके बाद में द मोर, यहां पे आएगा द मोर यू स्मोक, द मोर यू स्मोक. अब द मोर यू स्मोक, द मोर यू स्मोक द मोर म्यूटेशंस यू हैव, द डैमेज टू द सेल्स लाइनिंग, द एयरवे एंड लंग्स कैन कॉज द, ठीक है, द कॉन्स्टेंट डैमेज, जो लगातार डैमेज हो रहा है ना बच्चा. डैमेज किस तरह का, ब्रोकन डैमेज नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट डैमेज नहीं हो सकता, कॉन्स्टेंट डैमेज होगा. स्टेबल डैमेज और कॉन्स्टेंट डैमेज सेम मीनिंग होता है, लेकिन स्टेबल का मीनिंग होता है कुछ हद तक कोई चीज मतलब एक जगह पे कंटिन्यूस है, और कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार. कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार. स्टेबल का मतलब होता है कोई चीज जो है एक जगह पे खड़ी हुई है, ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है, एक जगह पे खड़ी है. और कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार. तो थोड़ा सा यहाँ पे माइन्यूट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखूंगा तो कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट डैमेज. एंड लंग्स कैन, आगे नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. एंड लंग्स कैन What and lungs can to cancer in the lungs, esophagus, larynx and pharynx. और ये चीज lungs को क्या कि क्या कर सकती है, किस चीज को cancer में lead कर सकती है, can lead to cancer. हम बोलते हैं ना कि this will lead to your, this will lead to something. कोई भी चीज होती है preposition to होता है, वो lead के साथ में हम लगाते हैं बहुत बार. This will lead to that, this will lead to that. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, lead. तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. अब हम चलते हैं CHSL की तरफ, 4 अगस्त 2021 सेकंड शिफ्ट की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस देखेंगे हम 4th अगस्त. बच्चा लाइक एंड शेयर करते रहिएगा प्लीज. ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, बार बार बोलना ना पड़े. देखिए 24-25 मिनट ही हुए क्लास को स्टार्ट हुए और हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. वापस से 24-25 मिनट के अंदर हम वापस से और 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. बहुत अच्छा कल्पना जी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 CHSL का 4 अगस्त 2 सेकंड शिफ्ट का, टू गो रेड इन फेस, टू गो रेड इन फेस. ठीक है, तो क्या होता है टू गो रेड इन फेस, टू गो रेड इन फेस का मीनिंग क्या होता है बच्चा, टू गो रेड इन फेस. ठीक है, टू गो रेड इन फेस का मतलब होता है टू एक्चुअली फील वेरी, टू गो मतलब टू फील एम्बेरस्ड. क्या होता है टू गो रेड इन फेस का मतलब होता है ना कि इसका चेहरा लाल हो गया, शर्म से लाल हो गया. हम नहीं बोलते इसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, तो टू गो रेड इन फेस मतलब शर्म से चेहरा लाल होना, टू फील एम्बेरस्ड, टू फील एम्बेरस्ड. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस. उसके जोक्स जो थे वो, दैट जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस. तो जो कोई भी उसने जोक्स मारे होंगे उस पर उसका ऑडियंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई शानदार चुटकले नहीं मारे उसने, घिसे पीटे हुए चुटकले मारे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा. समथिंग फॉल्स फ्लैट मतलब का होता है कि वो चीज कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फेल टू हैव एन इफेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें वैसा कुछ नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. उसने अपने दोस्त को बोला, सी सेड टू हर फ्रेंड, विल यू टेक माई डॉग फॉर ए वॉक. इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. जी सर,
इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? मनीष कुमार, विशाल शर्मा, मनीष तोड़ी, कृतिका प्रजापति जी सर, ठीक है कृति, आई एम लेट, आई एम लेट में लिखा इन्होंने LET, आई एम लेट, ठीक है ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कोई नहीं। उसने अपने दोस्त को बोला विल यू टेक माई डॉग फॉर ए वॉक, उसने अपने दोस्त को क्या बोला कि क्या मेरे कुत्ते को तुम वॉक पे ले जाओगे? तो मुझे पता है यहाँ पे ये विल आ गया ना बच्चा, ये मॉडल्स है, ये विल किस में कन्वर्ट होता है? ये विल कन्वर्ट होता है बच्चा वुड में। तो पहले मुझे वुड ढूंढना है कि वुड यहाँ पे वुड है, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे विल का विल है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन टू और थ्री में दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे तो क्या आ गया, आस्क के बाद में टू आ गया, वापस से टू नहीं आता, सेड टू को कन्वर्ट करते हैं हम आस्क में या टोल्ड में, अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, उसने रिक्वेस्ट किया, तो शी आस्क हर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट आंसर, टू वापस से नहीं आएगा। द ट्रेन इज फॉर बिहार, ये ट्रेन बिहार के लिए है भाई, जिसको चढ़ना है चढ़ जाइए, जिसको उतरना है उतर जाइए, ये गाड़ी यहां से चलेगी और एकदम बिहार पे रुकेगी भाई ससुरा, ठीक है, लालू जी के परम पूज्य परम धरोवर, ठीक है, मिथिला जी, हमारे यहाँ पे कोई मिथिला से है ना, मनीष कुमार है शायद, तो वहां पे जाएगी ये ट्रेन, ठीक है, सी 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 सी, ठीक है। कृतिका जी ने बोला इसका आंसर क्या है, रोहित रॉय, ठीक है कृतिका जी, तो इसका आंसर होगा बाउंड, ठीक है। दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर बिहार, बाउंड फॉर का मतलब होता है एक गंतव्य स्थान पे जाने के लिए, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर बिहार, दिस फ्लाइट इज बाउंड फॉर जयपुर, आई एम बाउंड फॉर कर्नाटका, जो भी मैं बोलना चाहता हूं। बाउंड फॉर का मतलब होता है एक फिक्स जर्नी के लिए, और बाउंड टू का मतलब होता है कि जो इंसान कोई चीज करने ही वाला है, ही इज बाउंड टू फॉल, ही इज बाउंड टू फेल, ही इज बाउंड टू फेल और इज बाउंड टू सक्सीड, वो सक्सेस पाने ही वाला है, ही इज बाउंड टू फेल, मतलब बाउंड के साथ में टू लग गया, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज होने ही वाली है, और बाउंड के साथ में फॉल लग गया, इसका मतलब वो चीज वहां जाने के लिए फिक्स्ड हो गई है डेस्टिनेशन के लिए, तो उसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फॉल लगेगी, ठीक है। हम हैं अलाहाबाद से सर, ठीक है, हम अलाहाबाद से हैं मनीष कुमार, ठीक है, यस। तो ये क्या हो गया, नो सब्स्टिट्यूशन, अब इसमें क्या करना है, नो सब्स्टिट्यूशन क्या, वी वर क्वाइट इंप्रेस्ड विद द एंथुसियाज्म शी वर्क फॉर, हम उसके एंथुसियाज्म जिस तरह से वो काम करती है ना साहब, उसका एंथुसियाज्म से हम बहुत अच्छी तरीके से क्या हो गए, इंप्रेस हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे कुछ कौन सी पार्ट की एरर है, सिंपली देखिए ग्रामर के अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, टेंस, सिर्फ टेंस, बहुत कम जगह पे आप देखेंगे चार या पांच ग्रामर की एरर होती है ना, दो एरर टेंस की होती है, दो या तीन एरर टेंस की होती है। तो टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, टेंस तो आपको आना ही चाहिए। तो ये बोल रहा है अगर यहाँ पे ये टेंस पास्ट है तो यहाँ पे ये टेंस प्रेजेंट नहीं हो सकता, शी वर्कड फॉर, शी वर्कड फॉर, शी वर्कड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे शी वर्कड, शी वर्क्स फॉर, वी वर क्वाइट इंप्रेस्ड विद द एंथुसियाज्म शी वर्कड विद, दैट शी वर्कड विद, दैट शी वर्क्स फॉर, That she worked with, नहीं एक्चुअली में सही है, that she worked with आएगा, सही है क्योंकि worked with आएगा, we were quite information, सही है ना, और verb की second form आएगी और उसके साथ में preposition with आएगी, वहां पे worked for नहीं होगा, with आएगा, worked with, ठीक है, work, verb की second form ही आएगी। सर हम सिद्धार्थ नगर से हैं और ऐसे से CGSL की तैयारी कर रहे हैं, सिद्धार्थ नगर कहाँ पड़ता है ये, ठीक है, सिद्धार्थ नगर कहाँ, सर आप एप्लीकेशन पर क्लास लेंगे, हाँ मैं आज, सर आज एप्लीकेशन पे क्लास लूंगा, मैं कल एप्लीकेशन पे क्लास लूंगा सुबह 9 बजे, और 9 बजे से 2 घंटे क्लास चलेगी मेरी, 3 क्लास होगी, 2 या 3 क्लास कल एप्लीकेशन पे होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ये सारे के सारे मैं कल कंप्लीट करूंगा। तो कल सुबह 9 बजे मेरी एप्लीकेशन वाले जो पेड बच्चे हैं उनके लिए सुबह 9 बजे मेरी एप्लीकेशन पे क्लास होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, अब इसमें क्या करना है मुझे, इसको लॉजिकल पेयर में अरेंज करना है बच्चे। सर मैथ्स की क्लास कब होती है,
मैथ्स की क्लास अगर यूट्यूब पे पूछे हैं तो शाम को 8 बजे होती है, लेकिन अभी हो नहीं रही है। अब इसमें से चार मुझे लॉजिकल पैड ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे? लॉजिकल पैड ढूंढना है। तो पहले मैंने देखा, कुछ नहीं देखा, ऑन द अदर हैंड, तो पहले वाला ऑन द अदर मतलब दूसरी तरफ। अरे भाई पहली वाली तरफ तो बता, तो पहली वाली तरफ नहीं पता, वो अभी तक आया नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बन नहीं सकता। while the first gives priority, जब पहला priority देता, while से sentence start हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये कुछ कहना चाह रहा है वो क्लियर नहीं है, पहले उसके चीज का mention हो। On the one hand, there is a principle of equality before the law or more gently. तो पहले hand पे कौन सी part है वो तो ठीक है, लेकिन on the one hand किसके लिए आया है? किसी ना किसी चीज के लिए आया होगा, तो democracy के लिए आया है, और democracy से sentence start होना चाहिए। Democracy rests on a tension between two different principles. तो sentence democracy से start होगा। Option number B कहाँ है? एक ही option है, option number 1 इसे correct answer. Question number 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सब यूपी में, हम यूपी में है, सिद्धार्थ नगर। ओके सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ए पर्सन वो फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली ए जॉब, ठीक है, एप्लीकेंट। ये तो सिंपल सा है, आप लोग क्या कर रहे हो? एप्लीकेंट ही तो हो, तभी तो जीतू सर से पढ़ने आए हो एसएससी के एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो जॉब के लिए, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तीन कंधों पे स्टार चाहिए। Continuing for a long time, ऐसी कौन सी चीज जो बहुत टाइम तक कंटिन्यू करे? इसका मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, prolonged, बहुत टाइम तक कंटिन्यू हो, prolong, long, जो बहुत टाइम तक कंटिन्यू करे, बहुत टाइम तक चलती रहे, prolonged, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। All our furnitures were spoiled in the recent rains and floods. हमारे जो सारे furnitures थे वो कहाँ, जो अभी बाढ़ आई थी उसमें सारे के सारे फर्नीचर तबाह हो गए। ऑल आवर फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, ऑल आवर फर्नीचर। और यहाँ पे वर्ब जो है, फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, एस नहीं आएगा, और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर वॉज आएगी, ठीक है। बस इतना सा प्रॉब्लम है। विजडम, इसका मुझे एंटोनिम देखना है कि बुद्धिमान मता, विजडम मतलब बुद्धिमान को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसकी कैबिलिट को बुद्धिमता ही बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? बुद्धिमता ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो विजडम जो होती है, वाइज इंसान जो होता है उसकी विजडम सैगेसिटी, सैगेसिटी, ठीक है, सैगेसिटी, ठीक है, प्रूडेंस, ठीक है, प्रूडेंस, ठीक है, सैगेसिटी, प्रूडेंस। तो उस जो बुद्धिमान मता होती है उसको, उसकी क्या करना, मुझे एंटोनिम पता करना है, तो स्ट्यूपिडिटी, ठीक है, स्ट्यूपिडिटी। स्ट्यूपिड इंसान और बुद्धिमान इंसान बहुत अलग होते हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं, स्ट्यूपिडिटी, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्ट्यूपिडिटी। टेक्स्ट ले लेते हैं, कंप्लाई, इस वर्ड का मुझे क्या पता करना है बच्चा? फर्नीचर वॉज, डीएल कोटले, ठीक है। कंप्लाई का मतलब होता है ओबे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। CHSL का पेपर चल रहा है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से पार्ट में स्पेलिंग एरर है बच्चा, कौन से पार्ट में स्पेलिंग एरर है मुझे वो पता करना है। तो किस पार्ट में स्पेलिंग एरर है मुझे वो पता करना है, फीचर में है, टॉर्चेस में है, सेक्रीफाइस में है, या हाईलाइट में है। देखने से ही हाईलाइट खटक रहा है, देखने से ही हाईलाइट खटक रहा है, हाईलाइट्स, IPL की हाईलाइट्स होती ना, हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट लिख दिया इसने तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आई प्रैक्टिस फॉर अ डिबेट, दैट इज व्हाई आई एम लेट। किसी ने पूछा कि भाई तू लेट क्यों हो गया, तो उसने बोला कि मैंने डिबेट के लिए प्रैक्टिस किया, इस वजह से मैं लेट हो गया। किया या कर रहा था, पहले ये सोचो कि प्रैक्टिस कर रहा था या किया। किया तो कभी भी हो सकता है भाई, कि भाई मैं कभी भी, कि 2 साल पहले भी प्रैक्टिस किया, कर रहा था ना, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो आई वॉज वॉट, आई वॉज प्रैक्टिसिंग, SING, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं डिबेट के लिए तैयारी कर रहा था, किया नहीं, कर रहा था, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। इसका सिनोनिम पता करना है मुझे डर्थ का, ठीक है। डर्थ का मीनिंग होता है बच्चा पॉसिटी, पॉसिटी क्या होता है? पॉसिटी, ठीक है, ह्यूज शॉर्टेज। तो डर्थ का सिनोनिम्स क्या होगा? ह्यूज शॉर्टेज, जहां पे बहुत ज्यादा क्या हो,
बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो उसको डर्थ बोलते हैं बच्चा. नेक्स्ट वियर्ड. वियर्ड क्या चीज होती है? दिस लुक्स वियर्ड, दिस साउंड्स वियर्ड, दिस लुक्स वियर्ड, दिस साउंड्स वियर्ड. हम अक्सर ये बोलते हैं. वियर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल. दिस लुक्स वियर्ड, दिस साउंड्स वियर्ड मतलब एबनॉर्मल. मुझे इसका क्या पता करना बच्चा? एंटोनिम. तो एबनॉर्मल का एंटोनिम क्या होगा? नॉर्मल. ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर. If the best booklet seal is broken or अगर देखिए मुझे इतना सही मैंने देख लिया क्योंकि मेरी कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होगा तो इतना सही देख लिया आपने कि अगर एक बुकलेट जो है एक बुकलेट की सील है अगर वो टूटी हुई है या तो टूटी हुई है या छेड़ा छेड़ी की गई है या तो किसी ने कोई सील तोड़ दिया. कोई भी सील हो सकती है, एनवेलप का हो सकता है, आपने कोई कुरियर रिसीव किया उसका सील जो होती है वो आप तोड़ सकते हो. तो अगर वो सील टूटी हुई है उसके साथ छेड़ा छेड़ी करने की कोशिश की है तो छेड़ा छेड़ी करने का वर्ड जो होता है वो होता है टेम्पर और ये फिक्स प्रीपोजिशन विथ लेता है. तो अगर आपने सील को तोड़ा है और उसको छेड़ा छेड़ी करके करने की कोशिश की है तो टेम्पर आएगा. क्वेश्चन नंबर 16 का टेम्पर्ड आंसर. ठीक है. एज सून एज द बस ड्राइवर वाज सीइंग द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक्स. कितना स्ट्यूपिड वे में लिखा है कि बस ड्राइवर मतलब ग्रामर का इसको हिंदी बनाने में मुझे हंसी आ रही है कि ठीक है कि जैसे ही बस ड्राइवर ने एक बच्चे को रोड क्रॉस कर रहा था उसको देख रहा था और ब्रेक अप्लाई किए. तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसको टाइम लग रहा था, मतलब वो देख रहा था, ब्रेक उसने अप्लाई नहीं किए. तो एज सून एज जैसे ही उसने देखा उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए. वो देख नहीं रहा था अच्छा ये बच्चा जा रहा है उसको मैं देख रहा हूँ कि ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी. तो कॉन्टिन्यूस टेंस में ये होगा, आपने देखा और ब्रेक लगा दिए. तो देखा ब्रेक लगा दिया तो एक्शन तुरंत हो गया. और कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो टाइम लेता है कंप्लीट होने में. तो कंप्लीट होने में टाइम नहीं लेगा. एज सून एज द बस ड्राइवर वॉज सीइंग नहीं आएगा वो उसको मतलब कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहा था कि भाई थोड़ा टाइम 5-7 मिनट देख लूं बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है. ब्रेक तो क्या ससुर आप रहेंगे बाद में लगा दूंगा. ठीक है. बस ड्राइवर सॉ The child crossing the road. जैसे ही बस ड्राइवर ने देखा, देखने में टाइम नहीं लगाया, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, देखते ही उसने ब्रेक लगा दिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 या रॉन्ग हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. ब्यूटी लिप्स में तूफानी का वाईफाई हूं सॉरी. क्वेश्चन नंबर 18. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन. अब बाहर आते ही उसकी स्किन. हिज किसके लिए नहीं पता, छोड़ दो उसको. First he would lie down on the sand bank while I rubbed him clean with the sand of the river every day. किसको clean किया? कौन lie down करेगा? नहीं पता. Every day I used to take the baby elephant to the river for his baby elephant के लिए आया सारी चीजें. कोई तो noun दिखाए मुझे यहाँ पे. After that he would lie in a water for a long time. तो यहाँ पे ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जहां नाउन का मेंशन हुआ, बाकी तो सारे प्रोनाउन उसके आसपास ही मंडरा रहे हैं. अगर ये एलिफेंट नहीं होता तो यहाँ पे कोई और चीज नहीं आ पाती. तो मुझे सबसे पहले सी को लिखना है. तो सी से सेंटेंस ए की स्टार्ट हो रहा है. ऑप्शन नंबर 4. डिजाइनर क्लोथ्स वर सोल्ड टू द मासेस बाय पेरिकार्डन. ठीक है. तो पेरिकार्डन बाई से लिखा गया है और पैसिव में लिखा गया है. तो अगर मुझे इसको एक्टिव में वापस से बनाना पड़ेगा तो किसको बनाना पड़ेगा? उसको मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो पेरिकार्डन यह दो जगह पे सब्जेक्ट है, बाकी जगह पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं. तो इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो पेरिकार्डन. टेंस कौन सा है यहाँ पे? टेंस से पास्ट सिंपल. तो मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए पेरिकार्डन के बाद में. यहाँ पे तो हेड आ गया वर्ब की. हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेड की जरूरत ही नहीं है. मुझे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि सिंपल टेंस है ऊपर, पास्ट सिंपल टेंस है. नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा. सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड. कौन सा वर्ड जो है वो गलत तरीके से किया गया? 1, 2, 3, 4. कौन से वर्ड को गलत तरीके से? सर CHSL की तैयारी कब से करवाओगे? फैजल अंसारी जी आपने कमेंट भी किया था, जैसे ही CGL के पेपर खत्म हो जाएंगे CHSL की तैयारी वापस से टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगी. वैसे कल कोई डिसीजन होने वाला है इसके ऊपर, हम लोग सारे बैठेंगे तो जैसा भी होता है हम देखते हैं क्या डिसीजन होता है. ठीक है. कल हमारे टीचर्स की मीट भी है, सर का घर का इनोग्रेशन है तो कल बड़ा डिसीजन होगा भाई, देखते हैं क्या होता है. ठीक है. सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड. कोई ऐसा वर्ड है जो
स्पेलिंग जिसकी गलत है उसको देखना, तो मुझे अकोमोडेट देखते ही खटक गया, यहाँ डबल एम आता है, ठीक है, डबल एम आता है। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है कि कहीं किसी को जगह देना, ठीक है, कहीं किसी को जगह देना। क्वेश्चन नंबर 21, मैं तो थक गया है यार, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21, स्किल सेट वॉज फाउंडेड इन 2014 टू कलेक्ट वॉट, स्किल सेट 2014 में फाउंड किया था टू कलेक्ट वॉट, फंडिंग, एडमिशन इंफॉर्मेशन या ऑफिशियल, टू कलेक्ट अबाउट एजुकेशनल एक्सेस। अब फंडिंग अबाउट एजुकेशनल एक्सेस नहीं हो सकता, एडमिशन अबाउट एजुकेशनल एक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो खुद फाउंड किया गया था। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी फॉर स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटी, ठीक है, जिन लोग बच्चों को स्पेशल नीड एंड एबिलिटी डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको उनको क्वालिटी के लिए, दिस द ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक स्पेस रिसीव्स थाउजेंड ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर, और वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होती है, इंक्वायरी रिसीव्स होती है, इंक्वायरी उनको मिलती है, ठीक है, उनको क्या मिलती है, इंक्वायरी रिसीव होती है, वो इंक्वायरी सेंड नहीं करते, ट्रांसमिट नहीं करते, पास नहीं करते, वो इंक्वायरी रिसीव करते हैं, बहुत बच्चे इंक्वायरी करते हैं, तो उनको क्या होती है, इंक्वायरी रिसीव होती है, एंड ऑफर्स वर्ड टू द स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू अप्लाई, और वो कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं, स्टूडेंट को सलाह देते हैं, पता नहीं कुछ तो ऑफर करते हैं कि कैसे ये काम करना है, तो कैसे ये काम करना है कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि कैसे ये काम करना है, तो बेसिकली सलाह ही देना चाहेंगे ना, तो क्या होगा यहाँ पे, एंड ऑफर्स सॉरी एंड ऑफर्स एडवाइस, तो यहाँ पे एडवाइस आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एडवाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑफर एडवाइस, ठीक है, एंड ऑफर एडवाइस टू द स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू अप्लाई कॉलेज, हाउ टू अप्लाई कॉलेज यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री इन हाउ टू फाइंड आउट अबाउट स्पेशल स्कॉलरशिप, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट स्पेशल फैसिलिटीज एंड स्कॉलरशिप, कि स्पेशल फैसिलिटीज जो मिलेगी ना, जो बच्चे डिसेबिलिटीज हैं, स्पेशल फैसिलिटीज और स्कॉलरशिप को कैसे पता चल सकता है, स्पेशल ट्रीटमेंट्स को कैसे पता चल सकता है, उसके बारे में पता करना है। क्वेश्चन नंबर 25, वी इंश्योर इजी एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स स्पेशली दोज, फॉर सारे स्टूडेंट के लिए, लेकिन स्पेशली मतलब खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटीज वाले हैं। तो 25 के 25 क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे, ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे बच्चों, ज़्यादा टाइम बकवास में करने में बिलीव करता नहीं हूँ, एग्जाम पास में है, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपने अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, पेपर अच्छे से दीजिएगा, सीजीएल वाले बच्चे जल्दी से जल्दी दीजिएगा और CHSL वाले बच्चे जैसे ही पेपर खत्म होंगे कुछ ना कुछ हम लोग आपके लिए प्लान कर रहे हैं, कल इसके ऊपर बड़ी मीटिंग है कि आगे दासू सर अकेडमी किस तरह से ऑपरेट होगी, वो सर का कल है, तो उसके बाद में जो भी डिसीजन होता है हम लोग डिसाइड करके आपको बता देंगे। तो इसी की उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ, ध्यान रखिएगा अपना।